हेलो फ्रेंड्स, आम का सीज़न है तो आम के सीज़न में आज हम बना रहे हैं मैंगो रबड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंगो रबड़ी बनाने के लिए मैंने ये 1 लीटर दूध ले लिया है। ये गाय का दूध है, इसको एक उबाल दिलवाया हुआ है तो ये इस पर मलाई आई हुई है। अब हम इसको लो टू मीडियम गैस पे धीरे धीरे पकाएंगे और हमें इसको 1/4 तक करना है। जैसे ये 1 लीटर है तो हमें इसको 250 ग्राम तक करना है। हम एकदम ऑथेंटिक वे से रबड़ी बनाएंगे। हम ना तो किसी कस्टर्ड पाउडर का, ना ही मिल्क पाउडर का और ना ही कॉर्नफ्लावर का यूज़ करेंगे। 1 लीटर दूध की रबड़ी बनने में कम से कम 40 से 45 मिनट लगते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे हिलाते रहना है। तो देखिए 10 मिनट के करीब हो गए हैं दूध को उबलते हुए और ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। साइडों में जो जाके दूध जम जाता है, हमें उसे चम्मच से उतारते रहना है और दूध में मिक्स करते रहना है। उसी से हमारी रबड़ी गाढ़ी होगी और रबड़ी में लच्छे बनेंगे। तो देखिए 15 मिनट के करीब और हो गया है और दूध हमारा आधा रह गया है। तो हमें ऐसे इसे घुमाते रहना है। देखिए दूध ऐसे इतना गाढ़ा हो गया है और इसमें लच्छे भी बनने लग गए हैं। दूध आधा हो गया है तो इस स्टेज पे हम 4 टेबलस्पून के करीब चीनी इसमें ऐड करेंगे और अब चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसको छोड़ना नहीं है, चीनी डालने के बाद बिल्कुल भी हिलाते रहना है जब तक चीनी पूरी पिघल नहीं जाए। और चम्मच से चारों तरफ से दूध को कुचरते रहना है कढ़ाई के ऊपर से और उसको दूध में मिक्स करते रहना है। उसी से हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा होगा। ये देखिए चीनी डालने के बाद दूध का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, क्योंकि चीनी भी जैसे जैसे पकती है तो उसकी चाशनी बनती है। हमें दूध को लगातार हिलाते रहना है क्योंकि इसमें चीनी डली हुई है और दूध भी गाढ़ा हो गया है तो नीचे चिपक सकता है। 5 से 7 मिनट और हो गए हैं दूध को पकाते हुए। तो देखिए दूध एकदम गाढ़ा हो गया है और एकदम रबड़ी के जैसा टेक्सचर आ गया है इसका। तो अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी रबड़ी तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पे ये और गाढ़ी हो जाएगी और उसके बाद हम मैंगो रबड़ी तैयार करेंगे। मैंगो रबड़ी बनाने के लिए मैंने एक आम को ये पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसको मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए मैंने आम को पीस लिया है और एक अच्छे से पेस्ट बना लिया है। मैंगो रबड़ी बनाने के लिए मैंने ये एक बाउल ले लिया है और अब इसके अंदर मैं 1/2 कप रबड़ी डाल रही हूँ जो हमने बनाई थी। साथ ही हम इसके अंदर मैंगो पल्प ऐड करेंगे जो हमने एक आम को पीस के बनाया था और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला रही हूँ जिसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है और किशमिश है। इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो रेडी है हमारी मैंगो रबड़ी। चलिए इसको सर्व करते हैं। मैंगो रबड़ी गुल्फी को मैंने एक जार में सर्व किया है और ऊपर से मैं इसको ड्राई फ्रूट से और सूखी हुई गुलाब की पत्तियों से गार्निश कर रही हूँ। और आप इसको फ्रिज में एकदम ठंडा करके ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। इससे आप मैंगो रबड़ी गुल्फी भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को आप भी अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट करें कैसी बनी है। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।